अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रुखसार बानो है और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। और आज मैं आपको जिन्नात की एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ। मेरा घर बहुत ही पुराने इलाके में है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पुराने इलाकों में रहती हूँ, और मेरा घर मेरे दादा ने बहुत सालों पहले लिया था, जिसमें मेरे पापा समेत चार चाचा और हैं। मेरा घर काफ़ी पुराना है, मतलब पुराने टाइप का घर बना हुआ है। मेरे घर के चारों तरफ बहुत से घर जुड़े हुए हैं, यानी कि मेरा घर बीचों बीच है और हमारे घर के चारों तरफ घर ही घर जुड़े हुए हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें बहुत कम लोग रहते हैं और हमारे छत भी दूसरों के घर के छतों से मिले हुए हैं। मेरी दादी बताती हैं कि उनके घर में जिन्नातों का पूरा खानदान ही रहता है। मेरी दादी बताती हैं कि जब वह नई नई शादी करके उस घर में आई थी, तो उनको कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या है। फिर उनको उनकी सास यानी मेरी परदादी ने बहुत कुछ ऐसा बताया कि उनको सुनकर यकीन नहीं हुआ। फिर वो जैसे जैसे उस घर में रहने लगी, वैसे वैसे समय के साथ उनको सब कुछ दिखना चालू हो गया, क्योंकि मेरी दादी यह सब पर विश्वास नहीं करती थी, तो उनको वो सब जाहिर होने लगे। मतलब उन्होंने खुद दादी को अपने होने का एहसास दिलाया, फिर मेरी दादी इन सब पर यकीन करने लगी। इसी तरह सब फैमिली वहाँ जो जो आता गया उसको इस चीज़ के बारे में बताया गया, और एक दादा मियाँ जो कि मेरे घर के एक कोठरी में रहते थे, उस कोठरी को दादी साफ करके वहाँ अगरबत्ती और फूलों का हार चढ़ाया करती हैं, और वह जिन्नात जिनको हम सब लोग दादा मियाँ बोलते हैं वो वहाँ सबको आते जाते दिखते थे। वो अच्छों के साथ अच्छा करते और बुरे लोगों के साथ वो बहुत ही बुरा करते थे। तो एक दिन मेरी बड़ी चाची के भाई आए जो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, तो वो काफ़ी दूर से आए हुए थे और बहुत दूर से आने की वजह से वो काफ़ी थके हुए थे। तो वो सोने के लिए उसी कोठरी के आगे वाले कमरे में सोने चले गए। हम सब लोगों ने उनको काफ़ी मना किया कि उस कोठरी में जिन्नात रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। दादा मियाँ जब दूसरे कमरे से नमाज पढ़कर उस कमरे में आए जहाँ पर वो लेटा था, वो काफ़ी गहरी नींद में था, तो दादा मियाँ ने उसे अपना पैर हटाने के लिए कहा, लेकिन नींद में होने के कारण उसने ये बात अनसुनी कर दी। और थोड़ी ही देर के बाद उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और वो बिस्तर से नीचे जा गिरा। अचानक गाल पर तमाचा पड़ने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, और जब उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, तो वो कमरे से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और सीधा बरामदे में आकर बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आया तो दादी ने बोला, ये तो होना ही था, जरूर तुम उनकी तरफ पैर करके सोए होगे। तो उसने बोला कि जब मैं सो रहा था तब किसी ने मुझे पैर हटाने के लिए आवाज़ दिया था, लेकिन मैं गहरी नींद में था इसलिए मैंने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया। तो दोस्तों, ये पहला वाक्या यहीं पर ख़त्म हुआ। दूसरा वाक्या इससे भी खतरनाक है। एक बार मेरी कज़िन सिस्टर जो मुझसे बड़ी थी, वो नहा के छत पे चली गई और मगरिब होने वाली थी, तो जैसे ही वो छत के लास्ट जीने पे थी तो उनकी टक्कर किसी जिन्नात से हो गई और वो उस जीने से आखिरी जीने पे आके गिरी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वो ना बेहोश हुई और ना ही उनकी आंखें झपक रही थी, लेकिन उनको काफ़ी चोट लगी हुई थी। उनके सिर में खून जम गया था और उनका चेहरा और पूरा शरीर जगह जगह से सब नीला हो गया था। फिर सब लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उनका इलाज किया। उनका बहुत इलाज किया गया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही उनकी आँखों की पलक झपक रही थी, वो बस एकटक छत की तरफ देखे जा रही थी। मेरी चाची और हम सब बहुत परेशान थे। फिर दादी बोली, मुझे तो ये कुछ और ही लग रहा है। फिर दादी ने दादा मियाँ के यहाँ हार चढ़ाया और दुआ की, और फिर उनसे बोली कि मेरी पोती को क्या हुआ, कम से कम आप मुझे सलाह तो दे दें, मैं आपकी इतनी खिदमत करती हूँ, मेरी पोती को ठीक कर दीजिए। तो दादी को रात को ख्वाब में दादा मियाँ ने दिखाया कि उनकी किसी जिन्नात से टक्कर हो गई है जो पीछे वाले मकान में रहते हैं। उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है। वो जिन नमाज के लिए जा रहे थे लेकिन उनकी टक्कर अब भी से हो गई। फिर दादा ने मेरी दादी को ये भी बताया
कि फला जगह एक मौलाना है जो इसे ठीक कर देंगे, उनको बुला लाओ, सब सही हो जाएगा। जब दादी की आँख खुली तो सुबह फजर का वक्त था, तो दादी ने फौरन नमाज पढ़ी और उस मौलाना के बताए हुए पते पर चली गईं। इधर मेरी कज़न सिस्टर को 3 दिन हो गए थे, ना उसने कुछ खाया था और ना ही वो कुछ बोल रही थी। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं हो पाएंगी। फिर चाचा लोग अब्बी को घर ले आए और इधर दादी वो मौलाना को बुला कर ले आई। लेकिन जब मौलाना ने 1000 तस्बीह पे चिल्ला किया, तब जाके अप्पी की आंखें झपकी और फिर उन मौलाना ने अप्पी के लिए पानी और तावीज़ बनाया। फिर अप्पी थोड़े दिन के बाद ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद से हम सभी बहनों में डर फैल गया। तो कोई भी शाम के वक्त छत पे नहीं जाता और ना ही खुले बाल रखता था। लेकिन मेरी छोटी चाची, जो कि नए जमाने की थी, उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सिर पर चढ़ाया हुआ था। मेरी छोटी चाची ने अपनी बेटी को बहुत आज़ादी दे रखी थी। वो हर जगह खुले बाल में जाती, इत्र लगाती और अपनी मनमानी करती थी। तो दोस्तों, आगे का वाक्य तब का है जब मैं और उनकी बेटी स्कूल में पढ़ते थे। एक शाम हम लोग आंगन में बैडमिंटन खेल रहे थे और बैडमिंटन की चिड़िया गलती से छत पे चली गई और मगरिब होने वाली थी, तो उसने बोला कि तुम जाओ उठा कर ले आओ। तो मैंने बोला, नहीं, तुमने फेंकी है तो तुम जाओ। इस पे वो बोली कि मेरी अम्मी सही कहती है, तुम सब लोग बहुत बड़ी फट्टू हो और पता नहीं क्या क्या सोचती हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ओके, और अगर कोई है तो मुझे दिखे तब मैं जानूं। ऐसा बोल के वो छत पर चली गई, चिड़िया उठाया और सही सलामत वापस आ गई। उस टाइम तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन संडे था और उसी दिन शाम को उसको बहुत तेज बुखार हो गया और वो मंडे को स्कूल नहीं गई। और धीरे धीरे उसका बुखार इतना बढ़ गया कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। फिर उसको फोड़े फुंसी निकलने लगे और जब मेरी दादी ने बोला कि इसको कोई मौलाना को दिखा दो, क्या पता कोई ऊपरी हवा हो, लेकिन मेरी छोटी चाची ने मेरी दादी को डांट दिया और बोली, ये वाहियात बातें अपने पास रखिए। उन्होंने उसका खूब इलाज कराया, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और उसके फोड़े और बड़े बड़े निकलने लगे और उसमें से खून और मवाद इतना निकलता था कि मेरे चाचा जब उसके जख्मों को साफ करते तो उनकी बेटी बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोती और उसी की वजह से चाचा भी बहुत रोते। घर में बहुत टेंशन का माहौल था। फिर एक दिन दादी ने उन मौलाना को बुलाया जिन्होंने मेरी पहली कज़न सिस्टर को ठीक किया था। मेरी चाची उस टाइम नहीं थी, मतलब उनकी शादी तब नहीं हुई थी, लेकिन मेरे चाचा ने पहले का मंजर अपनी आँखों से देखा था, इसलिए उन्होंने इस बार अपनी बीवी की नहीं अपनी माँ की बात मानी और उन मौलाना से राय लिया। उन्होंने आके जब उसको देखा तो बताया कि इस पर बहुत जिद्दी जिन्नात का कब्जा है जो इसको अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ये लड़की भी बहुत जिद्दी है। वो जब जब इससे पूछता है कि मुझसे शादी करोगी तो ये साफ मना कर देती है और वो इसके बदले इसको इतनी अजियत देता है। लेकिन अच्छा हुआ इसने अभी तक हाँ नहीं बोला, वरना ये जिन्नात इसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता। और ये इसको इसलिए भी अजियत दे रहा है ताकि ये किसी से शादी करने के काबिल न बचे। फिर मेरी दादी ने इसका रूहानी इलाज शुरू करवाने को बोला, तो उन्होंने बोला, मैं इसको हटा तो दूंगा लेकिन इसके लिए मुझे 40 दिन का चेल्ला करना होगा, जो नदी के अंदर खड़े होके करना होगा, वो भी रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच, जो कि जिन्नात का वक्त होता है। अगर मैंने ये चेल्ला कर दिया तो ये लड़की पर से वो साया हट जाएगा, लेकिन अगर इस बीच कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत नुकसान होगा। फिर उन्होंने दूसरे दिन से चिल्ला शुरू किया। इसी बीच 20 दिन निकल गए लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सही हो रही थी, लेकिन अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी। और जब 38वां दिन था तो रात को किसी ने उन मौलाना को पानी के नीचे ही खींच लिया और वो उसी में डूब के मर गए। दूसरे दिन जब सबको पता चला कि वो मौलाना अब नहीं रहे, तो वो जिन्नात उनकी बेटी के अंदर आके मेरी दादी से बोला कि तुम इन सब मसले से दूर रहो वरना तुम्हारी भी जान जाएगी जैसे उस मौलाना की गई है। ये सब सुनकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे पापा, जो कि सबसे बड़े थे, उन्होंने दादी से बोला, आप इन सब से दूर रहो अम्मा, अब हम आपको नहीं खो सकते, अब्बा को तो हम पहले ही खो चुके हैं। मेरी वो वाली कज़न के हादसे के कुछ दिन बाद दादा का इंतकाल हो गया था और फिर 10 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो सब चाचा लोग बोले कि अम्मा आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, वैसे भी उनकी बेटी है,
वो खुद समझ लेंगे कि क्या करना है। वैसे भी उनकी बीवी कुछ मानती थी नहीं। फिर दादी को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। फिर इसके बाद मेरी छोटी चाची अपनी बेटी को लेके अपने मायके चली गई। फिर वहाँ भी उसका खूब इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस तरह 15 साल बीत गए। वो अभी ठीक नहीं है, ना ही उसने शादी के लिए हाँ बोला और ना ही वो जिन्नात उसको छोड़ के जा रहा है। उसका हाल ऐसा हो गया है कि उसको कोई भी देख ले तो डर जाए। लेकिन पहले वो इतनी खूबसूरत थी और अब तो इतनी ज़्यादा डरावनी दिखती है कि बच्चा तो बच्चा, बड़ा भी उससे आंखें मिला के बात ना करे। और उसके सारे दांत टूट गए हैं और हाइट भी इतनी कम हो गई है। मतलब जब मैं और वो बचपन में जिस हाइट में थे वो उससे भी कम हो गई है। और मुझसे वो 2 साल छोटी थी, फिर भी आज वो बिल्कुल बुढ़िया जैसी हो गई है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आप इस कहानी पर यकीन करो या ना करो, लेकिन जिसके साथ ये घटना बीत रही है उस दर्द को केवल वही समझ सकता है। आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अक्सर आपने सुना है कि पशु और पंछियों में छठी इंद्रियां होती हैं। इन बातों से हमारे पूर्वज भी बहुत ही ज़्यादा परिचित होते थे, क्योंकि वह भी पशु और पंछियों के व्यवहार पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते और बिल्लियों में ऐसी शक्ति होती है कि वे भविष्य में होने वाली घटना के बारे में पता लगा सकते हैं। कई पुस्तकों में भी कुत्ते और बिल्लियों के सगुन और अपसगुन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने ही सब्सक्राइबर्स की बिल्कुल सच्ची और खौफनाक कहानी। तो पहली कहानी हमें दिल्ली से शिवम जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से आपको सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज से 3 दिन पहले मेरी एक पालतू बिल्ली कैसे एक आत्मा के हाथों मारी गई। और दोस्तों, यह बिल्कुल सच्ची घटना है, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी 4 साल पहले की है, जब एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में हम सभी बच्चे खेल रहे थे कि तभी मैंने देखा कि हमारी गली के कोने में एक बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा भीग रहा था। उसे देखकर मुझे दया आ गई, क्योंकि वह बच्चा काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था और म्याओ म्याओ करते हुए रो रहा था। तभी मैंने अपना खेल छोड़ा और मैंने उसको उठाया और अपने घर ले गया। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये देखो, ये बिल्ली का बच्चा गली में भीग रहा था। जब मेरी मम्मी ने देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, इस बिल्ली के बच्चे को उधर ही छोड़ दो, क्योंकि किसी की माँ से बच्चे को जुदा नहीं करते। वो बेचारी बिल्ली अपने बच्चे को ढूंढ रही होगी। तो मैंने कहा, अरे नहीं मम्मी, उसकी माँ वहाँ पर नहीं थी, क्यों ना हम इसको अपने घर पर ही रख लें। तो मेरी मम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर 1-2 दिनों में इसकी माँ नहीं आई तो फिर हम इसको अपने घर पर ही रख लेंगे, ठीक है। लेकिन देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, अब से यह हमारे घर पर ही रहेगी। हमारा परिवार इस बिल्ली के बच्चे को काफ़ी अच्छे से देखभाल करता था, और वह बिल्ली की बच्ची भी हमारे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करती और हमारे साथ बिल्कुल घुल मिल गई थी। उस बिल्ली को हम प्यार से लल्ली बुलाते थे। इस तरह करते करते वक्त बीतता चला गया। उसको मेरी मम्मी से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। मेरी मम्मी जब किचन में खाना पकाती तो वह मेरी मम्मी के पीछे पीछे घूमती और मेरी मम्मी के बाहर आने का इंतज़ार करती। जब वो छत पर जाती तो उनके पीछे पीछे वो चली जाती। और आपको तो पता ही है कि जब हम किसी जानवर को अपने घर में पालते हैं तो धीरे धीरे हम उनकी भाषाओं को भी समझने लगते हैं। ठीक वैसा ही लल्ली के साथ भी हो रहा था। जब भी उसको खाना चाहिए होता तो वो मेरी मम्मी को अपनी आवाज़ में मम्मी मम्मी करके बोलती। वह हमारे साथ ही हमारे बिस्तर पर सोती, लेकिन इतने सालों में उसने कभी भी बिस्तर पर टॉयलेट नहीं किया और ना ही कभी गंदगी फैलाई। जब भी उसको टॉयलेट लगती तो वो खुद बाथरूम के दरवाजे को खटखटाने लगती। हमने बाथरूम के बाहर ही एक कपड़ा रखा हुआ था जिस पर वह टॉयलेट करती। वह बिल्कुल इंसानों की तरह हरकतें करती थी। अगर वो हमसे नाराज़ हो जाती थी तो वो हमसे बात भी नहीं करती थी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद
जब हम उससे प्यार करने लगते तो वह फिर से हमारे पास आकर खेलने लगती। हमें लल्ली से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि हम आपको नहीं बता सकते। फिर मेरी लल्ली के मरने के एक महीने पहले मेरी मम्मी ने एक सपना देखा कि हमारी बिल्ली बहुत सारी बिल्लियों के साथ जा रही है और हमारी लल्ली ये बोल रही है कि मम्मी अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। जब मेरी मम्मी सुबह उठी तो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आँख खोली तो लल्ली मेरी मम्मी की आँखों के सामने ही घूम रही थी। मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी जब तक सोकर नहीं उठती थी तब तक वह मेरी मम्मी के आसपास घूमती रहती थी, और जैसे ही मेरी मम्मी उठती तो वह मेरी मम्मी के गोद में आकर उनको प्यार करने लगती। फिर लल्ली के मरने के एक हफ्ते पहले भी मम्मी ने वही सपना देखा कि हमारी लल्ली हमको छोड़कर जा रही है, लेकिन इस बार सपना कुछ अलग था। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा काला साया हमारी लल्ली को लेकर जा रहा है और हमारी लल्ली मम्मी मम्मी करके चिल्ला रही है। इतना देखते ही मम्मी काफ़ी ज़्यादा डर गई और उन्होंने जब आँख खोली तो लल्ली वहाँ पर नहीं थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई कि लल्ली कहाँ पर है, तो मैंने कहा अरे मम्मी वो तो मेरे पास है। जब मेरी मम्मी ने लल्ली को देखा तब जाकर उनको थोड़ा सुकून मिला। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा क्या हुआ मम्मी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बेटा, बस एक बुरा सपना था। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी लल्ली एक हफ्ते से मेरी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही थी। मेरी मम्मी को पता नहीं ये बात बहुत अजीब लगी, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ लल्ली, कोई बात है क्या, क्यों इतना मुझे प्यार कर रही हो? लेकिन वो लल्ली कुछ नहीं बोलती, बस मेरी मम्मी के गोद में पड़ी रहती और सोती रहती। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिल्ली और कुत्ते एक ऐसी प्रजाति होती हैं जिनको भविष्य के बारे में पहले ही पता चल जाता है, या फिर उन पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो पहले ही जान जाते हैं। और हाँ, आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि अगर हम जिससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर हमको पता चलता है कि हम कुछ दिनों बाद उस इंसान को छोड़कर चले जाएंगे, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम उस इंसान से इतना प्यार करें कि हमें जाते वक्त कोई भी दुख ना हो। तो शायद लल्ली भी वही कर रही थी, उसे पहले ही अपनी मौत का आभास हो चुका था, लेकिन वो 2-3 दिनों से वो हम सभी घर वालों को बड़े गुस्से से घूर घूर कर देखती थी। तो हमको लगा कि शायद लल्ली हमसे नाराज़ है, हमने तो सोचा ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो कि हमने कभी नहीं सोचा था। हमारी लल्ली के मरने के एक दिन पहले मेरी मम्मी रात को 11:30 या 12 बजे छत पर गई हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े सूखने के लिए रखे थे वो उनको लाना भूल गई थी, इसलिए मेरी मम्मी छत पर चली गई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लल्ली मेरी मम्मी के पीछे पीछे ज़्यादा रहती थी, इसलिए वह भी मेरी मम्मी के पीछे पीछे छत पर चली आई। तो मेरी मम्मी ने बोला अरे लल्ली तुम जाओ यहाँ से, इतनी रात को छत पर मत आओ। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसको कोई छत पर बुला रहा है। वो मेरी मम्मी की बात भी नहीं मान रही थी और ऐसा पहली बार हुआ था। तभी लल्ली बगल वाली छत की ओर देखने लगी। उसके बाद हमारी लल्ली ने टंकी की ओर देखते हुए गुर्राना चालू कर दिया और मेरी मम्मी के सामने खड़ी होकर टंकी की तरफ देखकर बस गुर्राए जा रही थी। फिर मेरी मम्मी ने पूछा क्या हुआ लल्ली, क्यों गुस्सा कर रही है, तो क्यों रो रही है इस तरीके? लेकिन उसने मेरी मम्मी की बात नहीं सुनी और वो भागते हुए उस टंकी पर चढ़ गई और वहाँ पर जाकर जोर जोर से रोने लगी। जब मेरी मम्मी के बुलाने पर भी वो नहीं आई तब मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और फिर किसी तरह मुश्किल से करीबन 1:30 बजे रात को लल्ली मेरे हाथ में आई। फिर हम लोगों ने छत के दरवाजे पर कुंडी लगाई और फिर हम नीचे आ गए। फिर जब हम सभी सो रहे थे तो 2:30 बजे लल्ली छत पर जाने की कोशिश कर रही थी और वो दरवाजे की कुंडी को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार दरवाजे को अपने पंजों से खरोच रही थी। वो काफ़ी देर तक इसी तरह हरकत करती रही। उसकी रोने और चिल्लाने की आवाज़ हम सबको सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर अब मुझे गुस्सा आने लगा था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था, लेकिन मेरी मम्मी को उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने सोचा कि आखिर लल्ली को क्या हो गया है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गई, तो मेरी मम्मी को यह लगा कि शायद लल्ली को टॉयलेट जाना था इसलिए वो चिल्ला रही थी।
तभी अचानक हमारे छत के ऊपर से लल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी और ऐसा लग रहा था कि हमारे छत पर कोई कूद रहा हो। तभी मेरी मम्मी अचानक उठी और जल्दी से छत की तरफ गई और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा नज़ारा था जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा काला साया जो लगभग 7 या 8 फीट का होगा, वह हमारी लल्ली के गर्दन को अपने मुंह में दबाया हुआ था। तभी लल्ली ने मेरी मम्मी की तरफ देखा और सिर्फ उसने 2 बार मम्मी मम्मी बोला और तभी उस काले साये ने मेरी मम्मी की तरफ देखा और वह अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। मेरी मम्मी को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या चीज़ थी। तभी मेरी मम्मी भागती हुई लल्ली को उठाकर नीचे लाई और सबको उठाते हुए कहा कि देखो हमारी लल्ली को क्या हो गया है। जब हमने देखा तो लल्ली की थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी और उसके 5 मिनट बाद ही लल्ली हम सभी को छोड़कर चली गई। फिर मेरी मम्मी ने रोते हुए बताया कि छत पर जाते वक्त जो दरवाज़ा पड़ता है उसी के बगल में जो छोटा सा बयाला है, लगता है उसी में से घुसकर लल्ली छत पर चली गई थी। फिर मम्मी ने यह भी बताया कि मैंने सपने में लल्ली को देखा था कि एक काला साया हमारी लल्ली को लेकर जा रहा है और आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक काला साया हमारी लल्ली के गर्दन को अपने मुंह में दबाया हुआ था और जब उस साये ने मुझे देखा तभी वो अचानक गायब हो गया। पूरी रात हम सभी सो नहीं पाए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लल्ली हमारे परिवार का ही सदस्य थी जो अब हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। फिर अगली सुबह हमने उसको चुनरी में लपेटा और गंगा जी के किनारे जाकर उसको दफना दिया। जब मैं उसको दफना रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा भी करना पड़ जाएगा। दूसरी तरफ मेरी मम्मी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरी लल्ली से उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था और वो बस रोती ही जा रही थी। तो दोस्तों, मेरी मम्मी के अनुसार ये लगता है कि हमारी लल्ली को पहले ही पता चल गया था कि उसको मौत का काल लेने के लिए आ रहा है। शायद इसीलिए वो रात भर चिल्लाती रही और आखिरकार उस मौत के काल ने हमारी लल्ली की जान ले ही ली। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और इस घटना को घटे हुए मुश्किल से 3 से 4 दिन हो रहे हैं। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली कहानी। हेलो सर, मेरा नाम शिवानी है और आज मैं आपको मेरी दादी की एक खौफनाक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सर, मैं आपको बता दूँ कि मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं और वह मुझे हर रोज़ रात को बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनाती हैं। एक दिन इसी तरह मैं रात को खाना खाकर अपनी दादी के कमरे में कहानी सुनने चली गई। तो जब मेरी दादी मुझे कहानी सुना रही थी तभी एक बड़ी सी काली बिल्ली आई। उसे देखकर मैं थोड़ा सा डर गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बिल्ली को कुछ खींच कर मारूं और यह बिल्ली यहाँ से भाग जाए। तभी मैंने वहाँ पर रखा हुआ अपना चप्पल उठाया और उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी मेरी दादी ने डरते हुए मुझे रोक दिया और कहा कि बेटा, बिल्ली को मत मारो, नहीं तो दुख होता है। तो मैंने कहा, दादी आप यह बिल्ली से क्यों डरती हो? तो मेरी दादी ने कहा, बेटा आओ बैठो यहाँ, मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ कि आखिर क्यों मैं बिल्लियों से डरती हूँ और हमें आखिर बिल्लियों को क्यों नहीं मारना चाहिए। फिर मेरी दादी ने कहानी बताना शुरू किया कि ये बात आज से 8 साल पहले की है। मेरी दादी के 5 लड़के थे जिनमें से एक बेटे का नाम रंजीत था जिनके साथ ये खौफनाक घटना घटी और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी दादी ने कहा कि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है, इसलिए तुम दिल थाम कर सुनना। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक रात रंजीत चाचा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दिन नॉनवेज बना रहे थे। उन्होंने नॉनवेज को एक पॉलिथीन में रखकर खूंटे पर टांगा हुआ था। तभी एक काली बिल्ली आई और उसने नॉनवेज से भरी हुई पॉलिथीन अपने मुंह में दबाया और वहां से भागने लगी। जब ये चीज़ मेरे रंजीत चाचा ने देखा तो उसका पीछा करने लगे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरे रंजीत चाचा पॉलिटिशियंस के साथ रहते थे जिसकी वजह से उनके पास एक बंदूक भी थी और वो थोड़ा घमंडी टाइप के भी थे। बस फिर क्या था, उन्होंने बिल्ली का पीछा करना शुरू कर दिया
और जैसे ही वह बारजे पर चढ़ी, वैसे ही रंजीत चाचा ने उस बेचारी बिल्ली पर 2 गोली चला दी और गोली लगते ही वह बेचारी बिल्ली नीचे गिरी और उसके मुंह से वह थैली छूट गई। लेकिन रंजीत चाचा को इतने पर सुकून नहीं मिला। वो तुरंत ही पास में रखी लाठी को उठाते हैं और उस बिल्ली को कम से कम 8 से 9 लाठी मारते हैं। लेकिन उस बेचारी बिल्ली की जान तो कब की निकल चुकी होती है, लेकिन गुस्से के कारण वो उस बिल्ली को लगातार मारते ही जाते हैं। फिर उनके दोस्तों ने रोका, तब जाकर वे शांत हुए। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि ये गलती उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जो कि उन्हें मौत के घाट उतार सकती थी। बिल्ली के मर जाने के बाद उन्होंने उसको एक झोले में भरा और अपने एक दोस्त को देते हुए कहा कि जाओ इसको दफना दो। फिर उनके दोस्त ने जाकर उस बिल्ली को दफना दिया। ऐसे ही करके कई दिन गुजर गया और ये बात मेरे चाचा ने घर में किसी को भी नहीं बताई थी। फिर एक दिन उनके जिस दोस्त ने उस बिल्ली को दफनाया था, उसके पेट में अचानक बहुत बड़ी पथरी जम गई, जिसके कारण उसके पेट को चीरा गया और उसका इलाज किया गया। लेकिन इसमें कई लाख रुपए खर्चे हो गए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या थी, क्योंकि उनके पेट में और भी कई सारी बीमारियां हो गई थी। किसी तरह करके उनका दोस्त तो सही हो गया, लेकिन अब बारी थी मेरे रंजीत चाचा की। उनके दोस्त को समझ में आ गया था कि ये सारी चीज़ उस बिल्ली को मारने की वजह से हुई है। तो मेरे रंजीत चाचा के दोस्त ने मेरी दादी से ये सारी बात बता दी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे रंजीत चाचा राजनीति में ज़्यादा रहते थे, जिसके कारण उनको घर से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना था। जब मेरी दादी ने ये बात सुनी तो उनको फ़ोन लगाया, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी दादी से बात नहीं की। फिर जहाँ पर वो गए हुए थे, वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ वो बैठकर शराब पी रहे थे, और आपको तो पता ही है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, और मेरे चाचा के साथ भी किसी की दुश्मनी थी, और वह भी उनसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मौके की तलाश में था, और शायद उसको ये मौका मिल ही गया था। उन्होंने मेरे चाचा को बहुत सारा शराब पिलाया और फिर जानबूझकर मेरे रंजीत चाचा से लड़ाई की, तो नशे की हालत में वह भी उल्टी सीधी गालियां देने लगे, जिसकी वजह से उनके दुश्मन ने उनके ऊपर गोली चला दी और वहीं उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद उनकी लाश को रोड के किनारे घनी झाड़ियों में फेंक दिया। फिर अगली सुबह पुलिस वालों को उनकी लाश मिली तो उनके पर्स में से हमारे घर की डिटेल्स मिली। फिर पुलिस ने हमारे घर में फ़ोन लगाया और हमें तुरंत वहां पर बुलाया। वहां पर जाकर देखा तो मेरे चाचा की लाश बुरी तरह से घायल थी और ऐसा लग रहा था कि उनको गोली मारने के बाद भी उनको किसी चीज से बहुत बुरी तरह मारा गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उनको पत्थर से कुचलकर मारा गया हो। बाद में उनका क्रियाकर्म करने के बाद मेरी दादी ने यह बताया कि उस बिल्ली को मारने की वजह से तुम्हारे चाचा की ये हालत हुई थी, क्योंकि जैसे उन्होंने बिल्ली को गोली मारकर भी उसकी लाश को लाठियों से मारा था, ठीक उसी तरह उनके साथ भी वैसा ही हुआ। इनके दुश्मन ने इनको पहले गोली मारी और फिर पत्थर से कुचलकर इनको फेंक दिया। और फिर मेरी दादी ने यह भी बताया कि हमें कभी भी बिल्लियों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि अगर उसके शरीर से एक भी बाल टूटता है तो वह हमें श्राप देती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, और बिल्ली को मारने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटी सी सोने की बिल्ली बनाई जाती है और वह किसी साधु या फिर किसी को दान किया जाता है, तभी जाकर उस बिल्ली को शांति मिलेगी और उसका श्राप हमारे परिवार से हट पाएगा, नहीं तो हमेशा हमारे परिवार में उसका श्राप घूमता रहेगा। उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी दादी ने सोने की एक छोटी सी बिल्ली को दान किया था, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर पैसों की लालच देकर आखिरकार वो सोने की बिल्ली दान कर दी गई। जब मेरी दादी ने ये पूरी कहानी बताई, तब मुझे पता चला कि आखिर हमें बिल्ली को क्यों नहीं मारना चाहिए और मेरी दादी आखिर क्यों बिल्लियों से डरती है। तो दोस्तों, बस यही थी मेरी दादी की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, क्योंकि अगर कोई भी बुजुर्ग इंसान इस कहानी को सुन रहा होगा तो उसे ये बात 100% सत्य ही लगेगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी कहानियाँ पसंद आई होंगी।
अगर आपको भी अपनी कहानियाँ भेजनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सूरज की कहानियाँ, वहाँ पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली खौफनाक वीडियो में।